हाँ, बहुत से लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, क्या क्या टॉपिक्स बाकी हैं, कहाँ पे हम फिलहाल मौजूद, मतलब फिलहाल हम पहुंचे हैं अपने सिलेबस में। ये 3 पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कुछ कुछ क्लासेस मिस होने के कारण बीच में इश्यूज क्रिएट हुए थे, बिकॉज थोड़ा फेस्टिव सीजन के कारण, क्रिसमस के कारण और कुछ कुछ और फेस्टिव डेज के कारण क्लासेस नहीं हो पाए थे, और कुछ कुछ अनफॉर्चुनेट इश्यूज के कारण क्लासेस जो है वो कैंसिल हुए थे। तो उस कारण से बहुत से लोग ये कंफ्यूज होंगे कि अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं और कितने टॉपिक्स अभी बाकी हैं और कितने टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कौन कौन से मॉड्यूल्स हम लोगों ने फिनिश किए अब तक, और क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक क्लियर किया है। ओके, तो सबसे पहले आई होप सबके पास तो पीडीएफ है ही मॉड्यूल्स के। तो ये हम लोग का पीडीएफ स्ट्रक्चर था, जिसमें सबसे पहला जो मॉड्यूल था वो है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। देन उसके बाद हम लोगों ने सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट किया था, जो कि था फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेंस। ओके, देन हम लोगों ने कंप्लीट किया था स्कैनिंग नेटवर्क्स एंड देन एनुमरेशन एंड देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो ये 5 मॉड्यूल में हम लोगों ने क्या सीखा? जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी इथिकल हैकिंग एक्टिविटी या हैकिंग एक्टिविटी करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होती है उस टारगेट के बारे में जिसको आप हैक करना चाहते हो। तो ये 4 और 5 मॉड्यूल्स में हम लोगों ने यही सब सीखा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करना उस टारगेट के बारे में, उसके नेटवर्क को स्कैन करना, एनुमरेट करना और उसके खामियों को पता लगाना, कैसे करते हैं, ये सब हम लोगों ने इसमें सीखा। ओके, तो ये 5 मॉड्यूल हम लोगों ने कंप्लीट किए। अगर आप में से कई लोगों ने वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, जो कि हम लोगों ने कैरी किया था सिस्टम हैकिंग पे और स्निफिंग पे, तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने सिस्टम हैकिंग में क्या किया था और सोशल इंजीनियरिंग में क्या किया था। तो ये 2 मॉड्यूल्स भी हम लोग के कंप्लीटेड है, सिस्टम हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग, यानी कुल मिला के 7 मॉड्यूल्स हम लोग के खत्म हो चुके हैं। ओके, रहा बात प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया है? तो हम लोगों ने 3 से 4 मॉड्यूल्स के प्रैक्टिकल खत्म कर चुके हैं। एनुमरेशन का ही प्रैक्टिकल हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने WP स्कैन का यूज़ किया था वर्डप्रेस वेबसाइट्स को स्कैन करने के लिए, और कुछ कुछ अलग वेबसाइट्स को स्कैन करना हम लोगों ने देखा था कैसे करते हैं एनुमरेशन के हेल्प से और कुछ कुछ टूल्स के हेल्प से। देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का हम लोग का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, बिकॉज वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में कुछ कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि क्वालिस फ्रीज, क्वालिस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल, देन आपका निक्टो, देन GFI लैंडगार्ड। तो हम लोगों ने क्या किया कि उन प्रैक्टिकल्स को इग्नोर करने से अच्छा हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है आपके लिए, जिसपे हम लोग आपको उसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। ओके, तो आप में से बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ उसका प्रैक्टिकल। इसी कारण से, बिकॉज उसमें गिने चुने टूल्स थे, फ्री टूल्स जिसका हम प्रैक्टिकल कर सकते थे बट उससे कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे हम उन सब टूल्स का भी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे जो जो हम लोग इग्नोर करने वाले थे, जैसे कि क्वालिस फ्री स्कैन था, GFI लैंडगार्ड था और अलग अलग जो टूल्स थे उसका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे अपने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में, जब हम लोग इसका इस टॉपिक को लाएंगे, तो इसको हम बाद ही में लाएंगे। बचा क्या क्या? पहला पॉइंट हम लोग को डिस्कस हो गया, क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट किया, 7 मॉड्यूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, अभी हम क्या क्या करने वाले हैं? तो अब जितने भी मॉड्यूल्स हम लोग कवर करेंगे उसमें 70% आपका प्रैक्टिकल होगा, 30% आपका थ्योरी होगा। ओके, अभी तक जितने भी हम मॉड्यूल्स करते आए हैं उसमें 70% थ्योरी था, यानी हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करते थे और प्रैक्टिकल्स गिना चुना करते थे, बिकॉज उसमें टूल्स जो थे वो लिमिटेड थे। इंट्रोडक्शन और फुटप्रिंटिंग में टूल्स लिमिटेड थे, गिने चुने कुछ कुछ टूल्स जिसका हम प्रैक्टिकल करते थे। स्कैनिंग नेटवर्क्स में हम लोगों ने Nmap का यूज़ किया और अलग अलग टूल्स का यूज़ किया, बिकॉज उसमें टूल्स लिमिटेड थे इसलिए हम लोग मैक्सिमम उसमें हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा। एनुमरेशन में भी लिमिटेड था इसलिए हम लोगों ने थ्योरी मैक्सिमम पढ़ा, और वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में भी लिमिटेड टूल्स हैं इसलिए हम लोगों ने थ्योरी मैक्सिमम पढ़ा। अब इन सभी मॉड्यूल्स का धीरे 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 सारे मॉड्यूल्स में प्रैक्टिकल्स में यूज होगा। ओके, जितने मॉड्यूल्स, 7 मॉड्यूल्स हम लोगों ने कंप्लीट किए उसको धीरे धीरे हर एक मॉड्यूल्स में लाया गया है, जिसके कारण से हम अब 70% प्रैक्टिकल करने वाले हैं हर एक मॉड्यूल में। ओके, तो अब हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? सिस्टम हैकिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका था,
सिस्टम हैकिंग में हम लोगों ने देखा था कि कैसे लिनक्स, काली लिनक्स के हेल्प से एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक किया जाता है। ओके, तो इसका प्रैक्टिकल हम लोगों ने शो किया था, जिसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है ड्राइव पे। इसमें हम लोगों ने विंडोज यूजर के लिए एक वायरस क्रिएट करके उसको हम लोगों ने ट्रांसफर किया था, जिसको जैसे ही यूजर ने इंस्टॉल किया उसके सिस्टम का रिमोट एक्सेस हमको मिल चुका था, जिसके हेल्प से हम उसको रिमोटली कंट्रोल कर पा रहे थे। ओके, प्रोसेस को किल कर सकते थे। प्रोसेस मीन्स, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो तो टास्क मैनेजर में उसका प्रोसेस आईडी होता है, तो अगर आपने उसको हैक किया तो आप प्रोसेस आईडी के हेल्प से उसको आप शटडाउन, किल, स्टार्ट कुछ भी कर सकते थे। तो ये हम लोगों ने देखा था। जिनको जिनको ये याद नहीं है, वो प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस को ध्यान से देखिए। सिस्टम हैकिंग का एक प्रैक्टिकल हम लोगों ने वहाँ किया हुआ था। ओके, देन सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने फिशिंग पेज क्रिएट करना सीखा था। सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, सेट टूल किट के नाम से एक हम लोगों ने वेबिनार किया था, ओके, 2-3 हफ्ते पहले, जिसको मैक्सिमम लोगों ने अटेंड भी किया था। इसमें हम लोगों ने देखा था कैसे हम फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फेसबुक का, जीमेल का, अलग अलग वेबसाइट्स का, जिसके हेल्प से हम लोग फिर हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग, सिस्टम हैकिंग, यहाँ तक हम लोग का खत्म है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मालवेयर थ्रेट्स से। मालवेयर थ्रेट्स, देन स्निफिंग देखेंगे हम लोग, देन डिनाइल ऑफ सर्विस देखेंगे हम लोग, देन सेशन हाईजैकिंग, हनी पॉट्स, वेब सर्वर हैकिंग, वेब एप्लीकेशन हैकिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, वायरलेस नेटवर्क्स, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, आईओटी हैकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मालवेयर थ्रेट से। तो आई होप सबको क्लियर है हम लोगों ने क्या क्या अभी तक खत्म कर चुका है और क्या क्या हम लोग खत्म करने वाले हैं। ओके, सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे? समराइज मैंने कर दिया है, किसी को कोई इशू चैट में कंफर्म कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें मालवेयर थ्रेड्स के साथ। ओके, सो बहुत से लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है। अभी जस्ट आप जब ये कह रहे थे, मैंने ड्राइव चेक किया और वहाँ पे वो वेबिनार का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जो कि एज अ क्लास रिकॉर्डिंग हुआ था। तो आप पहली बात ध्यान से हर एक क्लास को देखिए। ओके, सारे सारे टॉपिक्स को कवर करके वहाँ अपलोड किया गया है। बट आपके लिए ईजी करने के लिए मैं हर एक जो जितने भी फाइल्स हैं टॉपिक वाइज, सोशल इंजीनियरिंग और जो आपका सिस्टम हैकिंग है, उस फोल्डर का नाम मैं उसी नाम से कर देता हूँ। ओके, जिससे आपको इजी रहेगा कि वो वाला वीडियो कहाँ पे है। बिकॉज मुझे पता है कि आपने ध्यान से नहीं देखा है, आप बस ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर ध्यान से देखते तो आपको पक्का मिलता वो। ओके, तो मैं उस फोल्डर का नाम वैसे ही कर देता हूँ जिसके हेल्प से आप वहाँ पे देख पाएंगे। आई होप देन आपको क्लियर होगा। तो हम शुरू करते हैं मालवेयर थ्रेट के साथ एक विद इन 2 मिनट्स।
ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मालवेयर थ्रेड्स आखिर होगा क्या है. मालवेयर थ्रेड्स का मतलब क्या है आखिरकार. तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा वायरसेस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स के बारे में. कितने लोगों को पता है कि एक वायरस, वॉर्म और ट्रोजन क्या होता है. चैट में कंफर्म कीजिए सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है. वायरस एक तरह से वायरस और एक वॉर्म जो है एक मेलिशियस कोड एक हो गया, मेलिशियस स्क्रिप्ट हो गया, जिसके हेल्प से मेलिशियस एक्टिविटीज हो सकते हैं. ओके, तो ये सारे के सारे चीज मालवेयर थ्रेड्स के अंदर आते हैं. ओके, इसमें आपका वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, रैंसमवेयर हो गया, एंड देन आपका एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया. तो ये सारे किसी सारे चीज आपके मालवेयर्स के अंदर आते हैं. तो हम इस मॉडल में देखेंगे कि मालवेयर्स, अलग अलग मालवेयर्स के प्रोपगेशन यानी फैलने का क्या क्या तरीका होता है, कैसे कैसे वो सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, किस किस टाइप की वायरस होते हैं, कैसे कैसे टाइप के वॉर्म्स होते हैं, कैसे कैसे मालवेयर को एनालाइज किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और क्या क्या काउंटर मेजर्स हम लोग ले सकते हैं वायरस, वॉर्म्स और मालवेयर से बचने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ. तो ये है मालवेयर्स, ये 10 टाइप के मालवेयर्स हैं. एक बार ध्यान से देखिए इसको. ट्रोजन, बैकडोर, रूट किट, रैंसमवेयर, एडवेयर, वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, बॉटनेट, क्रिप्टर, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मालवेयर हैं. ओके, सो ये 10 टाइप के मालवेयर्स हो गए. अब आगे प्रोसीड करते हैं. डिफरेंट वेज अ मालवेयर कैन गेट इनटू अ सिस्टम. इंस्टेंट मैसेंजर एप्लीकेशन, पोर्टेबल हार्डवेयर मीडिया, ब्राउजर एंड ईमेल सॉफ्टवेयर बग्स, इनसिक्योर पैच मैनेजमेंट, डॉक्यू डिकॉय एप्लीकेशन, अनट्रस्टेड साइट्स,
डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट, ईमेल अटैचमेंट्स, नेटवर्क प्रोपोगेशन, फाइल शेयरिंग सर्विसेज, इंस्टॉलेशन बाय अदर मालवेयर्स, ब्लूटूथ एंड वायरलेस नेटवर्क्स. तो ये सारे के सारे मीडियम्स है जैसे कि जो वायरसेस और मालवेयर्स हैं फैल सकते हैं. ओके तो अब इसमें क्या होता है, सपोज आप बहुत से वेबसाइट, बहुत से एप्लीकेशंस को बाहर से डाउनलोड करते हैं ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बजाय आप बाहर से डाउनलोड करते हो, उसमें यही इशू होता है कि बहुत समय, बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि कोई वायरस या वॉर्म जो है उस सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होके आपके सिस्टम में आ सकता है, आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में. ओके तो कभी भी अनट्रस्टेड साइट्स विजिट ना करें, हमेशा HTTPS वेबसाइट्स को विजिट कीजिए, थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप डाउनलोड मत किया कीजिए. अगर वो प्ले स्टोर पे नहीं है इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है, गूगल ने किसी ना किसी कारण से उसको वहां पे नहीं रखा या तो वहां से हटा दिया है. ओके तो ये सारे के सारे तरीके हैं जिसके थ्रू जो मालवेयर है आपके सिस्टम में आ सकता है. ओके देन प्रोसीडिंग फर्दर, अब अटैकर्स और हैकर्स क्या क्या तरीके यूज करते हैं इंटरनेट पे अपने वायरस को फैलाने के लिए. तो ये कुछ तरीके हैं जिसके हेल्प से वो इंटरनेट पे अपना वायरस जो है फैलाते हैं. ओके पहला है ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सबको पता ही होगा, SEO. तो उसी का एक फॉर्मेट है ब्लैक हैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके हेल्प से मालवेयर पेजेस को सर्च इंजन पे हाईएस्ट रैंकिंग दिया जाता है. देन है सोशल इंजीनियर्ड क्लिक जैकिंग. ओके यूजर्स को ट्रिक किया जाता है और एक इनोसेंट वेब पेज बनाया जाता है जिसको लगता है यूजर्स को कि ये रियल जेन्युइन है, बट उसमें कुछ ना कुछ मैलिशियस फाइल्स अटैच रहते हैं. ओके देन स्पीयर फिशिंग साइट्स, फिशिंग वेबसाइट्स आप लोगों को पता होगा, उन वेबसाइट्स के हेल्प से फेसबुक या किसी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का क्लोन बना के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चुराया जाता है. ओके तो ये हो गया स्पीयर फिशिंग में. देन मालवरटाइजिंग, मालवरटाइजिंग में क्या होता है कि एड नेटवर्क्स पे कुछ कुछ मालवेयर्स को एम्बेड कर दिया जाता है. ओके आप में से कितने लोगों को ये आपने एड देखा होगा कि आपके लैपटॉप में वायरस है, ये ऐड डाउनलोड कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपके विंडोज में ये वायरस आया हुआ है, इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, फाउंड अ वायरस. कितने लोगों को ऐसा पॉपअप आ चुका है. यस तो ये सारे के सारे चीजें होते हैं, ये आपको बच के रहना है इन सब चीजों से, क्योंकि इसके पीछे एक हैकर या एक अटैकर या एक पूरा टीम होता है जिसका काम होता है कि आपके कॉन्टेक्ट्स लेना. आप कॉन्टेक्ट करेंगे उनको कि हाँ मेरे कोई ऐसा मैसेज मिला है, मेरे सिस्टम में वायरस है, प्लीज उसको रिसॉल्व कीजिए. वो लोग बोलेंगे कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट की टीम से है, आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा. अब इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि वो ट्रस्टेड है, बट वो होता नहीं है, और जिसके कारण आप अपने सेंसिटिव क्रेडेंशियल्स को, इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स को उनके उनको दे देते हैं. ओके जिसके कारण यही इशू होता है. तो ये तरीका हो गया मालवरटाइजिंग का. कॉम्प्रोमाइज्ड लेजिटिमेट वेबसाइट्स, ऐसे वेबसाइट्स जो होते हैं जेन्युइन, बट उनको हैक कर लिया जाता है और उनके थ्रू फिर कुछ ना कुछ मालवेयर्स को स्प्रेड किया जाता है. ड्राइव बाय डाउनलोड्स, कुछ ना कुछ डाउनलोड्स वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैलिशियस मालवेयर्स को भी अटैच करके प्रोवाइड करना हो गया ड्राइव बाय डाउनलोड्स. एंड स्पैम ईमेल्स, स्पैम करना, ईमेल्स को भेजते रहना, स्पैमिंग ईमेल्स, उसमें मालवेयर अटैच कर देना, वायरस अटैच कर देना, आपको लगा कि जेन्युइन है बट होता क्या है कि वो स्पैम ईमेल होता है और आप किसी ना किसी तरह की हैकिंग के अंदर आ जाते हैं. आप में से बहुत से लोग को ऐसे मेल्स पहले आते होंगे जैसे कि आपने इतने हजार डॉलर जीते हैं कोकोला कंपनी की तरफ से, टोयोटा की तरफ से, फोर्ड की तरफ से, आपके ऐसे मेल आते होते होंगे पहले, और फिर आपको पूछा जाता होगा कि आप अपना अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, आप अपना क्रेडेंशियल शेयर कीजिए. तो ऐसे ऐसे मेल्स आते रहते थे पहले, कोकोकोला की तरफ से आया है, टोयोटा की तरफ से आया है, फोर्ड की तरफ से है, मारुति की तरफ से है. तो ऐसे ऐसे ईमेल्स में भी बहुत मैलिशियस फाइल होते हैं, उसमें एक फाइल अटैच होता है जिसके हेल्प जिसमें आपका कुछ कुछ डिटेल्स मांगा होता है, बट उसके साथ अटैच होता है एक वायरस या एक वॉर्म. उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो जाएगा वायरस, वो स्क्रिप्ट. ओके तो ये इश्यूज रहते हैं.
अब बढ़ते हैं आगे। ट्रोजन कॉन्सेप्ट्स, मार्वल के बारे में हम लोग डिस्कस करिए, ट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रोजन क्या होता है? तो ट्रोजन एक तरह से एक प्रोग्राम हो गया जिसको बनाया जाता है कुछ ना कुछ मैलिशियस और हार्मफुल काम करने के लिए। अगर वो ट्रोजन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो वो कुछ ना कुछ खराबी करेगा आपके सिस्टम के साथ, कुछ ना कुछ डैमेज ही करेगा। ओके, उसको हार्मफुल कोड्स इंजेक्ट करके, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स आपका हाईजैक करके, तो ये एबनॉर्मल सिस्टम एक्टिविटीज परफॉर्म करके, तो ये सारे के सारे चीज़ जो हैं ट्रोजन्स के थ्रू किए जाते हैं। ओके, ट्रोजन हॉर्स करके एक बहुत ही पॉपुलर ट्रोजन था पहले, जो तो कि मार्केट में हिट किया था, जिसके कारण से हजारों लाखों करोड़ों सिस्टम जो है वो हैक हुए थे ट्रोजन्स के कारण। तो ट्रोजन्स ये बहुत ही मलिशियस और बहुत ही खतरनाक लेवल का एक स्क्रिप्ट होता है, एक टूल होता है, जिसको बनाया ही जाता है कुछ ना कुछ सर्विसेज को हैक करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सर्वर, एक नेटवर्क, एक सिस्टम में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं और हर एक पोर्ट्स का अलग अलग सर्विस होता है। उसके कारण से क्या होता है कि वो ट्रोजन जो है अलग अलग पोर्ट्स पे जितने जितने सर्विसेज रन कर रही होती हैं उसको हैक करने की कोशिश करता है। ओके, तो ये ट्रोजन्स का ही कमाल होता है। आगे प्रोसीड करते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स कंस्ट्रक्शन किट, ये ट्रोजन्स बनते कैसे हैं? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे जिसके हेल्प से हम ट्रोजन्स क्रिएट कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में देखेंगे। ट्रोजन हॉर्स कंस्ट्रक्शन किट, जिसमें मैंने बताया ट्रोजन हॉर्स एक बहुत ही खतरनाक वायरस, एक ट्रोजन था जो कि मार्केट में हिट किया था अर्लियर। ट्रोजन हॉर्स कंस्ट्रक्शन किट जो है एक वायरस मेकर है, डार्क हॉर्स ट्रोजन वायरस मेकर एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके हेल्प से आप ट्रोजन्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बहुत ही हाई लेवल का ट्रोजन क्रिएट होगा इससे, जो कि इलीगल भी है। अगर आप पकड़े जाते हो, इसको यूज करते हो, तो आपको जेल भी हो सकता है। तो डार्क हॉर्स ट्रोजन वायरस मेकर, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो इस टूल से आप ट्रोजन बना सकते हैं। ओके, देन आता है व्रैपर्स। एक व्रैपर क्या करता है? व्रैपर आपके ट्रोजन को एक जेन्युइन टूल से मर्ज कर देता है। ओके, आपका एक ट्रोजन हुआ, ट्रोजन को इंस्टॉल करोगे सिस्टम में तो उसको एंटीवायरस डिटेक्ट कर लेगा, बट एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर को एक एंटी रिजेक्ट नहीं करेगा। तो व्रैपर्स का यूज करके हम दोनों टूल्स, दोनों सॉफ्टवेयर्स को, एक वायरस और एक जेन्युइन टूल को मर्ज करके एक नया टूल बना देते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, वो आपका जेन्युइन लगता है टूल, बट जैसे ही वो इंस्टॉल होता है एंटीवायरस पता नहीं लगा पाता कि जेन्युइन है कि वायरस है, उसको पास कर देता है, देन वो आपका सिस्टम फिर हैक कर लेता है। ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर। रैपर्स का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। देन एक ऐसा ही टर्म यूज करते हैं हम लोग, डिक्रिप्टर। डिक्रिप्ट सॉरी क्रिप्टर। क्रिप्टर में क्या होता है? क्रिप्टर भी एक ऐसा ही टूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग अगर कोई वायरस, वॉर, मालवेयर या तो ऐसा कुछ बनाते हैं, तो वो जो है उसको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है एंटीवायरस के थ्रू। ओके, तो ये क्रिप्टर्स के हेल्प से किया जा सकता है। अगर आप कोई वायरस बनाते हो, जैसे कि हम लोगों ने सिस्टम हैकिंग में वायरस क्रिएट किया था जो कि हम लोग विक्टिम को दे रहे थे डाउनलोड करने को, तो वो बिना एंटीवायरस डिसेबल किए वो पॉसिबल नहीं था। उसको पॉसिबल करने के लिए हम लोग क्रिप्टर का यूज कर सकते हैं। क्रिप्टर के हेल्प से हम किसी वायरस, वॉर्म, की लॉगर को एक जेन्युइन टूल के साथ मर्ज कर देंगे। मर्ज कैसे किया जाए? सपोज आप किसी एंड्रॉयड में वो वायरस इंस्टॉल करना चाहते हो। ओके, उस एंड्रॉइड के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं। तो क्रिप्टर में क्या होगा कि वो वायरस एंड्रॉइड में डालते ही डिटेक्ट कर लेगा उसको सॉफ्ट एंटीवायरस, अगर उस स्मार्टफोन में कोई एंटीवायरस रन कर रहा हो। बेसिकली आजकल फोन के अपने खुद के ही वायरस डिटेक्शन होते हैं, तो डिटेक्ट करना ईजी हो गया आजकल। तो अगर क्रिप्टर का आप यूज करते हो, तो आप सपोज एक वायरस को किसी एक गेम के साथ मर्ज कर दो। सपोज पबजी, पबजी गेम सब कोई चाहेगा कि नहीं ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप कहिए कि ये पबजी का नया वर्जन है जो कि अभी काम कर रहा है। अब आप क्या करोगे, उस वायरस को उस पबजी के साथ मर्ज कर दोगे कि सॉफ्टवेयर सेटअप के साथ, क्योंकि बहुत से लोग आजकल क्या करते थे या पहले भी क्या करते थे कि वो डाउनलोड नहीं करते थे प्ले स्टोर से, अपने फ्रेंड से वो उसका सेटअप ले लेते थे पूरा। आई मीन प्ले स्टोर से उसका 200-250 MB का जो APK है वो डाउनलोड होता था, और जो OBJ फाइल था जिसको हम लोग इंटरनल फाइल उसमें मैनेजर में जाके उस फाइल में हम पेस्ट करते थे, वो हम लोग किसी ना किसी फ्रेंड से लेते थे, जेंडर के थ्रू या श्रेट के थ्रू। ओके, उसमें क्या होता है कि
आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से फाइल्स आपके सिस्टम में आ रहे हैं, ओके? उस कारण से यही होता है कि वो क्रिप्टर के हेल्प से आप किसी भी वायरस या स्क्रिप्ट को, मालवेयर को मर्ज कर दीजिए किसी एक फाइल में, उसको पता भी नहीं चलेगा यूजर को कि इसके साथ एक वायरस आ रहा है, उससे क्या होगा कि उसके सिस्टम में वो वायरस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे तरीके के हेल्प से हम लोग वायरस फॉर्म को शेयर कर सकते हैं एंटीवायरस होते हुए भी। तो क्रिप्टर और व्रैपर, प्रोसीडिंग फर्दर, एक्सप्लॉइट किट। एक्सप्लॉइट किट भी एक ऐसा ही टूल किट है जिसको एक्सप्लॉइट बनाने के लिए खासकर बनाया गया है, एक्सप्लॉइट्स के लिए। इसमें अलग अलग पेलोड्स होते हैं, अलग अलग एक्सप्लॉइट्स होते हैं, जैसे कि ट्रोजन, स्पाइवेयर्स, बैकडोर्स, बॉट्स, बफर ओवरफ्लो स्क्रिप्ट्स, और अलग अलग ऐसे ऐसे मलिशियस कोड्स जो कि सिस्टम को टारगेट करते हैं हैक करने के लिए। तो एक्सप्लॉइट किट का भी हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो एक्सप्लॉइट किट, क्रिप्टो एंड व्रैपर, ये तीनों का नाम याद रखिएगा, बिकॉज वायरस वॉर्म्स और ट्रोजन्स और कीलॉग बनाना तो बहुत ही आसान होता है। मेन चैलेंजिंग बात होता है उसको टारगेट तक पहुंचाना। तो टारगेट तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको कैसे भी करके यूज करना ही होगा क्रिप्टर्स का, व्रैपर्स का और इन सब चीजों का, ओके? प्रोसीडिंग फर्दर, तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया रैपर और क्रिप्टर के बारे में, तो उसमें क्या था कि हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे कैसे हम लोग एंटीवायरस से बचे। तो वही टेक्निक को कहते हैं हम लोग इवेडिंग एंटीवायरस, एंटीवायरस से कैसे बचा जाए। तो क्रिप्टर हो गया, रैपर हो गया, इन सब चीजों का यूज करके हम लोग एंटीवायरस से बच सकते हैं। या तो आप सपोज किसी ट्रोजन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आज खासकर एंटीवायरस ना छोटे मोटे जो एक्सटेंशंस होते हैं, जो कि अननोन एक्सटेंशंस होते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, ओके? जैसे कि चेंज ट्रोजन सिंटेक्स, सपोज कि exe फाइल हम लोगों ने बनाया है, तो उसका .exe से आप .vb कर दीजिए, डॉट एक्सटेंशन को डॉट doc कर दीजिए, डॉट exe कर दीजिए, डॉट pp डॉट exe कर दीजिए। इससे क्या होता है कि एंटीवायरस कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार कौन सा एक्सटेंशन है, डॉट डॉक डॉट exe, डॉट ppt डॉट exe, डॉट pvdf डॉट exe। इसके कारण जो विंडोज है नोन एक्सटेंशन को हाइड कर देता है बाई डिफॉल्ट, और उसको लगता है कि वो डॉक है, ppt है, pdf है, उसको स्कैन नहीं कर पाता है, ओके? इन सब चीजों का हेल्प करके हम लोग एंटीवायरस इवेट कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। ये चीजों को ध्यान दीजिएगा ताकि हम लोग को, ताकि आपको कोई इशू ना हो ये सॉफ्टवेयर, ये वॉर्म्स क्रिएट करने के बाद इसको जो टारगेट तक पहुंचाने में, ओके? तो ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रोजन्स हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रोजन्स हैं, जैसे कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स, प्रॉक्सी सर्वर, आईओटी, बैकडोर ट्रोजन्स, कन्वर्ट चैनल ट्रोजन्स, सिक्योरिटी ट्रोजन्स, बॉटनेट, रूट किट, ई बैंकिंग, डिफेसमेंट, मोबाइल। मोबाइल ट्रोजन्स, कमांड शेल ट्रोजन्स, डॉस अटैक ट्रोजन्स, डिस्ट्रक्टिव ट्रोजन्स। सो जस्ट ये अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रोजन्स हो गए, ओके? सबका अलग अलग यूज है, तो आप इस मॉडल को जा सकते हैं इन सबके बारे में इजीली जानने के लिए, ओके? तो बेसिकली इन ट्रोजन्स का कारण काम यही होता है कि अलग अलग मैलिशियस स्क्रिप्ट्स बनाना और उसको सिस्टम में इंस्टॉल करवाना ताकि हम उसको हैक कर सकें, ओके? तो आप में से कितने सारे लोगों को रैंसमवेयर के बारे में पता है? चैट में कंफर्म कीजिए, आप में से कितने लोगों को रैंसमवेयर के बारे में पता है कि रैंसमवेयर क्या होता है?
तो एक वानाक्राई रैंसमवेयर नाम का एक रैंसमवेयर मार्केट में हुआ था 3 4 साल पहले, हिट हुआ था, जिसने लाखों विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हैक किया था। तो वानाक्राई रैंसमवेयर का काम ये था कि वो आपके सिस्टम के फाइल्स को एनक्रिप्ट करके आपसे पैसा मांगता था बिटकॉइंस में। ओके, बिटकॉइंस में पैसा पे करने के बाद आपको फाइल्स जो थे वो डिक्रिप्ट होते थे। तो ये वानाक्राई रैंसमवेयर था। तो रैंसमवेयर बहुत ही खतरनाक लेवल का एक मालवेयर होता है, जिसका काम होता है आपके सिस्टम के फाइल्स को एनक्रिप्ट करके आपसे रैंसम मांगना, यानी कि बिटकॉइंस में पैसा मांगना आपसे। उसका नाम इसलिए पड़ा रैंसमवेयर। ओके, तो रैंसमवेयर भी बहुत ही खतरनाक लेवल का एक मालवेयर होता है। देन उसके बाद आता है एडवेयर, एड्स के थ्रू आपके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल करना। देन आता है स्पाईवेयर, जासूसी का नाम तो आपने सुना होगा, स्पाई का हिंदी होता है जासूसी करना। तो स्पाईवेयर का काम यही होता है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होकर चुपचाप वहां पे वो अपना प्रोसेस करते रहेगा और आपके क्रेडेंशियल्स, आपके पर्सनल डेटा को अटैकर के साथ शेयर करते रहेगा। ओके, ओके, सो प्रोसीडिंग फर्दर। तो ये हुआ हम लोग का वानाक्राई रैंसमवेयर स्पाईवेयर के बारे में डिटेल्स। तो इस मॉड्यूल में यही सब चीजें शेयर की गई हैं। ओके, कि मालवेयर क्या होता है, वायरस कैसे बनाते हैं, हम लोग के पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल रहते हैं वायरस बनाने के लिए, बॉम्ब्स बनाने के लिए। तो उन सारे टूल्स का हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, और जैसे कि कल क्लास पॉसिबल नहीं हो पाया था, ओके, तो उस कारण से हम लोग को प्रैक्टिकल जो है वो वीकडेज में शिफ्ट हो गया। तो हम लोग इसका जो प्रैक्टिकल वो मंडे को करेंगे, यानी कि कल, मालवेयर थ्रेट्स का। तो आपको भी कोई कंफ्यूजन है मालवेयर थ्रेट्स में तो आप भी पूछ सकते हैं, बिकॉज इस मॉड्यूल में और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, यही टूल्स के बारे में आपका डिटेल्स यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल्स में करेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग जेपीएस, वायरस मेकर और अलग अलग टूल्स का प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे वॉर्म्स बनाते हैं, कैसे कीलॉगर बनाते हैं। कीलॉगर में सबसे पॉपुलर टूल है ब्लेजिंग टूल परफेक्ट कीलॉगर। ब्लेजिंग टूल्स परफेक्ट की लॉगर एक ऐसा की लॉगर है जिसको आप किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो और वो आपको हर घंटे ईमेल के थ्रू बताते रहेगा कि वो सिस्टम में यूजर क्या क्या टाइप कर रहा है। ओके, अगर वो फेसबुक पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको उसका लिंक आते रहेगा, आपका उसको जो की स्ट्रोक्स हैं, जो भी वो टाइप कर रहा है कीबोर्ड पे अपने, वो सारा आपको मिलते रहेगा। ओके, तो ये की लॉगर हो गया। तो ये सारे के सारे चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। एंड्रॉयड के लिए बना सकते हैं आप, एपीके के साथ आप लोग मर्ज करके स्क्रिप्ट बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। प्रोटेक्शन फॉर मोबाइल फ्रॉम वायरसेस, आप एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट का प्रैक्टिकल अभी नहीं है, मेटास्प्लॉइट का प्रैक्टिकल्स आप हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें हम लोग का वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन हैकिंग पे जब पहुंचेंगे। मेटास्प्लॉइट का प्रैक्टिकल हम लोगों ने सिस्टम हैकिंग में किया था। अगर आपके पास उसका वीडियो नहीं है तो मैं उसका फोल्डर का नाम चेंज कर देता हूँ उसी प्रैक्टिकल के नाम पर, ताकि आपको इशू ना हो, बिकॉज वो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक फाइल है जिसमें लिंक शेयर किया हुआ है, उस लिंक पर अगर आप जाएंगे तो आपको वो फाइल खुलेगा। लिंक कभी भी चेंज नहीं होता है, लिंक हमेशा सेम है। ठीक है, आपको अलग से लिंक नहीं भेजा जाता है कभी भी। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, अरे आपको लिंक एक ही है, वो ग्लोबल लिंक है, सेम लिंक पे आप क्लिक कीजिए, सेम आपको क्लास ज्वाइन होगा। हर बार डिफरेंट डिफरेंट लिंक नहीं मिलता है। मंडे को लास्ट टाइम भी क्लास मैंने कहा था कि होगा, उस टाइम क्लास हुआ था, बिकॉज लिंक हर बार डिफरेंट डिफरेंट चेंज नहीं होता है। बहुत ही कम लोगों ने वो क्लास ज्वाइन किया था। आई एम अनेबल टू फाइंड रिकॉर्डिंग ऑफ हैकिंग मॉड्यूल इन ड्राइव। मैंने कहा आपको कि मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, देन आपका वहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगा। हाँ, आज जो लिंक शेयर हुआ था उसी पे आप क्लिक कीजिएगा, आप मंडे को क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
ओके, आपका रात में क्लास होगा आपका, इवनिंग का टाइम आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। यस, 17 नवंबर हिंदी बैच में ही वो सारा का सारा वीडियो अपलोड होगा। ओके विवन, सो आज के लिए इतना ही। अब हम कल कंटिन्यू करते हैं इसका प्रैक्टिकल के साथ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस मॉडल के थ्रू आप जाइए मालवेयर थ्रेड्स में, और इसमें जितने भी अलग अलग मॉलवेयर्स के एग्जांपल दिए गए हैं उसके बारे में पढ़िए वहाँ पे, और देन हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कल। ओके, कल का टाइमिंग मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ, आपको ग्रुप में आपको मैं वहाँ पे मैसेज थ्रो करता हूँ, उसमें आप टाइमिंग देख सकते हैं। प्रैक्टिकल क्लास की लिंक नहीं होती, आप डायरेक्टली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो लिंक शेयर किया गया था ग्रुप में। इवनिंग में ही होगा, उसी अराउंड होगा, डोंट वरी। जो इवनिंग का आपका हमेशा का टाइम होता है उसी के अराउंड आपका वो क्लास का टाइमिंग रहेगा कल का। असाइनमेंट वैसे अब नहीं किया जाएगा, असाइनमेंट बताया हुआ 2 हफ्ते हो गए आपको, असाइनमेंट सब आपको सबमिट करने का परमिशन नहीं है। अब कल का हेल्थ इश्यूज था, इसी कारण से कल क्लास नहीं ले पा रहे थे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अब क्लास को आप लीव कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही। हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं मालवेयर थ्रेड्स का, और अपने आप को रेडी रखिए आप, बिकॉज अब हम लोग 70% प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो जो भी क्लासेस होंगे उसमें हम लोग मैक्सिमम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो अगर आपको थ्योरी में इश्यू होगा तो आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल्स के थ्रू जाना होगा, हर एक मॉड्यूल को खुद पढ़िए आप, ताकि आपको थ्योरी में कोई इशू ना हो, टर्म्स में कोई इशू ना हो समझने में। ओके, सो दिस इज इट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अब क्लास को आप लीव कर सकते हैं, एंड कल का क्लास का टाइमिंग जो मैं शेयर करता हूँ उसी लिंक जो ग्रुप में शेयर किया गया उसी के थ्रू आप कल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आप क्लास को लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस, बाय बाय।